दोस्तों अगर आपके पास ओप्पो का A15 हैंडसेट है, जी हाँ दोस्तों ओप्पो का 15 मॉडल अगर आपके पास है और वो कुछ इस तरीके से लॉक हो गया है और कोई भी पासवर्ड पैटर्न पिन आपने अगर लगाया हुआ है और वो काम नहीं कर रहा है, तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी ओप्पो के रियलमी के मोबाइल को आप अनलॉक कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। गारंटी के साथ हम आपको बताएँगे कि कैसे आपको अपना फ़ोन अनलॉक करना है और साथ ही इस वीडियो में हम ये भी बताएँगे आपका डेटा लॉस हम नहीं होने देंगे। जी हाँ दोस्तों, स्मार्टफोन को अनलॉक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी बात नहीं है फ़ोन को अनलॉक करना, सबसे बड़ी बात है डेटा बचाना। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास एक ओप्पो का रियलमी का स्मार्टफोन है तो आप किस तरीके से अपने फ़ोन को अनलॉक करेंगे बिना डेटा गवाए। इस वीडियो में देखिए पूरी डिटेल के साथ हम बताएंगे, लेकिन पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें उसका मैसेज नोटिफिकेशन आपके मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर में पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाला है, मिस मत कीजिएगा दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे आपको इस तरीके का कुछ यूजर इंटरफेस देखे आप इमरजेंसी कॉल पे चले जाएंगे यहाँ पे नीचे में इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए आपको ध्यान देना है कि आपका बैटरी परसेंटेज जो है बहुत ही अच्छा होना चाहिए। हमारा बैटरी परसेंटेज 85% है और हमने जो है सिम कार्ड नहीं लगाया हुआ है अपने स्मार्टफोन में, सिम कार्ड यहाँ से निकला हुआ है। तो अगर आपने भी सिम कार्ड निकाल लिया है कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी है, विदाउट सिम कार्ड आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। ये मेथड आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। देखिए मेथड नंबर 1, सबसे पहला काम आपको अपना FRP अनलॉक करना होगा। यानी कि जब भी आप स्मार्टफोन परचेज करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपने अपने प्ले स्टोर में अगर आप कुछ को ऐप्स इंस्टॉल करने हैं तो आपको एक ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है। तो ईमेल आईडी से हम अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट करते हैं, पासवर्ड डालते हैं और वहाँ से फिर प्ले स्टोर से सारा कुछ डाउनलोड करते हैं। जब आप फ़ोन रीसेट करते हैं तो उसी ईमेल आईडी रिक्वायर्ड होती, ईमेल आईडी पता नहीं है, पासवर्ड पता नहीं है, भाई क्या है। तो उस सिचुएशन में हम उसके गूगल के FRP को, उसको FRP कहते हैं, उसको अनलॉक करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो ये थोड़ा डेंजरस टाइप का भी होता है, मीन्स कि आपका फ़ोन है नहीं है, चोरी करके है, मतलब कि कोई लेना देना नहीं है। हम इन सब चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। हमारा वीडियो बनाने का मकसद है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आप अपने स्मार्टफोन को खुद से अनलॉक करें, किसी दूसरे के चोरी के फ़ोन को अनलॉक करना एक सीरियस क्राइम है। आप हमारे जब भी कोई वीडियो को देखते होंगे तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर कुछ इस टाइप का आपको दिखता होगा और इसमें साफ मैसेज लिखा हुआ है कि ये एक क्राइम है। तो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए आप इस वीडियो को देखिए और अपने अगर खुद आप प्रॉब्लम में फंसे हों तो कैसे इसको फेस करें, इसके लिए हम ये वीडियो बनाते हैं। तो फिलहाल बातें बहुत हो गई, थोड़ा काम पे भी ध्यान दिया जाए। अब इस तरीके से यहाँ पे ये कोड को आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को थोड़ा देर पॉज करके आप इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही काम आने वाला कोड है ये और ये जुलाई 15 तक ये काम करेगा, वैलिड है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं न्यू कोड के बारे में, ओके। अब यहाँ पर इस तरीके से आने के बाद आप इसको कॉल कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5 से 6 बार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 7 भी हो जाए कोई दिक्कत, लेकिन 5 से नीचे कम मत कीजिएगा कभी। अब इस तरीके से यहाँ पे इन सारे नंबर को आपको रिमूव कर देना है और यहाँ पे आपको फाइनल स्टार हैज 812 और सिर्फ हैज आपको दबाना है, ओनली हैज आपको दबाना है। हैज दबाते ही आप पाएंगे कि आपका स्मार्टफोन यहाँ पे अनलॉक हो चुका है, आपसे कोई भी पासवर्ड पैटर्न फिंगर कुछ भी आपसे नहीं मांगा जाएगा और आपका फ़ोन बिल्कुल अनलॉक हो जाएगा। तो कैसा लगा ये मेथड आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।